हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका भटजी मिनी ब्लॉग में। तो आई होप सब अपने अपने घर में ठीक होंगे, और मेरी तो लाइफ वैसे ही जैसे रोज़ सुबह सब हर गृहिणी की होती है। कुछ ज़्यादा सब बड़ा सब, और हालत देखो ना अच्छी कितनी गंदी होती है यार। वो कैसी औरतें होती हैं जो सुबह तैयार तैयार होकर तब काम मेरे से नहीं हो पाता यार, और किस किस से नहीं हो पाता सुबह तैयार होकर काम, वो भी मुझे बताना। तो मैं लगी हूँ अपने सुबह नाश्ता बनाने के लिए, कहीं आटा गूंदना, कहीं दाल छौंकना, कहीं सब्जी बनाना। ये देखिए गिर गया मेरा आटा जल्दी जल्दी में। अब ये सब्जी भी छौंकने के लिए इतना दिमाग ख़राब हो जाता ना यार सुबह के टाइम। अभी तो फ़िलहाल मैं आटा गूंद रही हूँ फटाफट, ड्यूटी वालों को ड्यूटी भेजना है। बस ऐसे ही रह जाता है सुबह यार, बहुत हालत ख़राब रहती है। ये देखिए ऐसे जान लगा लगा के आटा कौन गूंदता है। मुझे तो ऐसा ही आटा, तब इससे फुलके अच्छे बनते। देखो दोनों हाथ से आटा, कौन कौन दोनों हाथ से आटा गूंद के लगता है कि हाँ अच्छा गूंदता है, और कौन एक हाथ से गूंदता है कि हाँ ऐसी ही सही है। बट मुझे ज़्यादा मज़ा दोनों हाथ से गूंदने में आता है कि एकदम अच्छे से गूंदा जाता है आटा, और फिर फुलके भी बहुत अच्छे अच्छे से बनते हैं। ये देखिए क्या जान लगा लगा के, पूरी जान लगा देते। और एक ये धागे ने मुझे इतना परेशान कर दिया था ना, इतना ज़्यादा परेशान, हर चीज़ में लटकता रहता। तो मैंने यहाँ ये भिगा दिया है आटा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भिगा के ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद जब रोटी बनानी हो तो उस समय इकट्ठा करो ना आटा, तो बहुत अच्छा होता है। तो कौन कौन ऐसा करता है ये भी ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। और ये मैंने प्लेट से ढक दिया आटा यहाँ पे, ये देखिए मैंने ढक के रख दिया आटा, ये थोड़ा भरा आ रहा था तो इसे अंदर कर देती हूँ। और ये ढक के रख दिया, इसके बाद मैंने हाथ भी धुले अपने थोड़े से। बर्तन देखो, सुबह की लाइफ तो यार एक मिडिल क्लास लड़की के लिए ना बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये मैं पानी भर रही हूँ, इसमें मैं ज़रा फ्रूट काट के रखूँगी अपने हस्बैंड के लिए ना। हाँ, और एक चीज़ और बताती हूँ गाइस मैं आपको ना, तो जैसे अगर आपको एप्पल काट के किसी को लंच बॉक्स में देने हैं, तो उसमें ना पानी भर के, इसमें भर के और नमक डाल के ना थोड़ी देर भिगा के रख दो, तो एप्पल काले भी नहीं होंगे और थोड़ा नमक का टेस्ट भी हो जाएगा। एक बार ज़रूर आजमाना, मेरे को भी किसी ने बताया है, मेरी फ्रेंड ने, तो सबका नाम है, तो अच्छा था यार ये रिस्पॉन्स। तो मैंने ये इसमें पानी डाल के इसमें नमक डाल दिया, तो दो एप्पल लाई हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो खाना नहीं लेके जाते हैं, वो एप्पल ही लेके जाते हैं। तो मैं एप्पल काट के इसे थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में भिगोने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे ये काले काले ना पड़े। मैं तो भाई भागा 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 सुबह के टाइम ऐसी ही रहती हूँ यार, किस किस की लाइफ ऐसी रहती है यार मेरी जैसी। ऐसे मिडिल क्लास औरत तो हर कोई ही सुबह के टाइम इतनी बिजी होती होगी ना बेचारी, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और हर कोई औरत ना। तो ये मैंने काट के बारीक बारीक और इसे भिगो दिया नमक के पानी में। अभी देखिए साथी को उठ के सीधा बाहर, साथी को कुछ नहीं चाहिए, इसी दरवाजे में आके भाग लेता। ये मैंने काट दिया, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। ये देखिए ये मैंने काट दिया, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी इससे, ये मैंने फेंक दिया। और यहाँ देखिए अब रोटी बनाने का टाइम आ गया, तो मैंने आटा इकट्ठा कर लिया। अब आटा जब ये इकट्ठा किया ना यार, इतना मुलायम इतना अच्छा हो चुका था ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतना प्यारा, भाई बहुत अच्छा हो जाता है यार आटा। एक बार ज़रूर आजमाना, बहुत अच्छा। हाँ, गर्मियों में ज़्यादा देर के लिए मत छोड़ना, क्योंकि ना वो ना पानी छोड़ देता है आटा, हल्का सा ही पानी में या तो कम ही डालना। तो ये देखो इस आटे में मैं सॉरी इस वाले बाउल में मैं अपना आटा इकट्ठा करके रख देती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ। तो ये रख दिया मैंने आटा इकट्ठा करके, ये देखिए प्रात एकदम साफ, और ये आटा मेरा ये ढक के रख दिया, और ये प्रात मैंने इधर लगा दी। तो इधर तब तक जब तक रोटी बनाने, और मेरे हस्बैंड बोल रहे कि अभी टाइम है तो अभी मत डाल, तो मैं कहा टिफिन ही बॉक्स तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ मैं काट के रखती हूँ, तो इन मेरे हस्बैंड को ना एकदम बारीक बारीक पसंद है कि हाँ पतले पतले कटे हुए, तो पतले पतले काट के रख दिए मैंने टिफ़िन बंद करके। अब इसमें पॉलीथीन में डाल दी मैंने ये, और थोड़े से पिस्ता, मेरा थोड़े पिस्ता खा लेंगे, और ये चम्मच रख दिया है, स्पून। और यहाँ देखो मेरी हालत अच्छी, इतनी गंदी हो चुकी हूँ ना मैं। तो यहाँ देखिए साथी क्या कुदम कुदा कर रहा है, तो इसके पापा चले गए ऑफिस, तो मैं साथी को खिला रही हूँ ज़रा थोड़ी सी दाल, और दाल से पहले पिलाऊंगी मैं उसे दवाई, क्योंकि मेरे बेटे की आजकल ज़रा थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। उसको ना बुखार हो रहा था यार, एकदम से ही आ गया, पता नहीं कैसे आया। तो ये लास्ट रह गई थी एंटीबायोटिक, और बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए एंटीबायोटिक ना, बुखार की दवाई के साथ अगर एंटीबायोटिक होता तो एक ही दिन में असर आ जाता है, इतना तो मुझे भी खैर थोड़ा बहुत पता चल गया है। तो ये ले जा रही हूँ दवाई पीने के लिए, बहुत रोता है वो तो वोमिट कर देता है अगर दवाई के साथ कुछ दो ना उसे मीठा खाने के लिए। देखो ये देखो पर ये देखो क्या आफत आ गई उसकी,
एकदम से कह रहा अब इसमें डाल के देखी मुझे ढक्कन में हॉर्न, तो मैंने कहा चलो इस बहाने दवाई भी साफ़ हो जाएगी, तो डाल के दे दिया मैंने उसे। और उसके बाद मैं उसे खाना खिलाऊँ, क्योंकि उसको मैंने पहले दूध पिला दिया था, तो इसीलिए मैं उसको दवाई दे रही हूँ, क्योंकि ना वो अगर खाना खाने के बाद उसको दवाई देती हूँ ना तो पूरा निकाल देते हैं वॉमिट के साथ ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले उसे दूध के बाद दवाई दे दूँ, उसके बाद ही उसको खाना खिलाऊँ। तो अब मैं उसके लिए दाल लाई हूँ, मैंने उसके लिए दाल ही बनाई है छिलके वाली, उसके पापा को भी आज वही दिया था खाने के लिए। तो ये देखिए एक दो चम्मच ही खाएगा, क्योंकि बुखार में यार किसी का मन नहीं करता, जब हमारा ही मन नहीं करता तो बच्चों का क्या मन करेगा, तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती, जो उसको खाने का मन करता है वही देती हूँ। तो वो कह रहा था मम्मी आप उस वाले सोफे में बैठो, पर अगर मैं उस सोफे में बैठ जाती तो वो नहीं खाता, तो उसको ज़बरदस्ती ये देखिए बच्चों को खाना खिलाना तो बहुत मुश्किल है। तो गाइस मैं इसे खाना खिलाती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, प्लीज़ अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।